Now, let us prove the most important theorem, Pythagoras' theorem. The theorem says that in a right-angled triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. Now, let's come on the proof. First of all, we always write down given. A triangle ABC in which angle B equal to 9. हमने एंगल B को क्या कंसिडर किया है? 9. To prove AC square यानी हाइपोटेनियस square equal to other sides के squares का sum. ठीक है, now construction की है हमने. From point B हमने एक perpendicular draw किया है on AC. मैंने already आपको बताया हुआ है कि construction एक important role play करती है किसी भी theorem को prove करने के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द प्रूव. इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डी बी. ठीक है, देखो ध्यान से. एंगल ए डी बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी बी की बात करते हैं. देखो ए डी बी हमने जो पोर्शन चूज किया है उससे क्या करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए बी. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा. दिस इज द कॉमन एंगल. ये क्या है हमारे पास, कॉमन एंगल, एंगल ए. ठीक है, अगेन एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री ईच. ठीक है, नाउ वी कैन से द ट्रेंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी के. इट मीन्स ए डी तो साइड्स के रेशियो भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी. आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. नेक्स्ट बात करते हैं. देखो नेक्स्ट, इन ट्रेंगल ट्रेंगल सी बी ए एंड ट्रेंगल सी डी बी. ठीक है, देखो ध्यान से. अगेन एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल सी डी बी ईच 90 डिग्री. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, अगेन देखो एंगल B, C, D इक्वल टू एंगल A, C, B ईच कॉमन, एंड कॉमन किसके इक्वल है, एंगल C के. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. नाउ वी कैन से एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमारे पास क्या हो जाएगा, C, B, A सिमिलर टू ट्रेंगल C, D, B. ठीक है, नाउ इफ दिस ट्रेंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो विल बी सेम, इट मीन्स इक्वल. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, डी सी और कैन से सी डी अपॉन बी सी या सी बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी. ठीक है, अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ए सी इंटू डी सी. दिस इज कंसिडर करते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, इसको सेकेंड करते हैं. ठीक है, और जो हमने पहले प्रूव किया था उसको क्या लेट करते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर एल एच एस साइड में क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी इंटू
DC plus AD into AC, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ से, AB square plus BC square equal to AD common, sorry AC common, तो क्या हो जाएगा यहाँ से AD plus DC, ठीक है। Now AC common AD plus DC, AD plus DC क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, AD this portion plus DC it is equal to AC, it means AB square plus BC square equal to AC square, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इस पोर्शन को कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया। सिमिलरली सेकंड स्टेप में हमने सेकंड वाले पोर्शन को कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया, देन हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है।